दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम है स्पेशल लेवल का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, या इन जनरल जो हमारे और प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एडवांस लेवल पे, उसमें हम क्या कवर करते हैं, तो हम तीन चीज़ों के ऊपर इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर मैं वैसे भी देखूं तो आपका ओवरऑल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तीन चीज़ों पे ध्यान देता है। सबसे पहला जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं। FSSAI के रेगुलेशन में ये शेड्यूल 4 में मैंशन कर रखी हैं। नंबर 2 जो उसका सेक्शन है उसके अंदर जनरल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है, और 3 नंबर सेक्शन के अंदर शेड्यूल 4 में डेरी और डेरी जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, मिल्क प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ पे किस तरीके का GMP होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो इस पहले सेक्शन के अंदर हम वो सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं जो उस एनवायरनमेंट को साफ सुथरा और इस काबिल बनाता है कि वहाँ पे सेफ फूड प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें वो साइट कैसी है, आसपास क्या है, किस तरीके की डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, उस बिल्डिंग की दीवारें, उसके ऊपर जो पेंट हो रहा है क्या वो उतर के तो कहीं नहीं गिरता, या वहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, फ्लोरिंग कैसी है, खिड़कियाँ कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, उनके बाहर हमने जाली लगा के मक्खी मच्छर को अंदर आने का रोकथाम की हुई है कि नहीं, पेस्ट के लिए रोकथाम की हुई है कि नहीं की हुई, वहाँ पे अंदर जो एयर आ रही है उसका सोर्स क्या है, कहीं बाहर किसी इंडस्ट्री से कोई स्मेल लेके तो नहीं आ रही, या अंदर भी जो हवा है वो किस दिशा में चलती है, कहीं वो तो क्रॉस कॉन्टेमिनेशन करने में सहायक नहीं होती, वहाँ पे पानी कैसा यूज़ हो रहा है, उसके लिए पोर्टेबल वाटर के स्टैंडर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारे इक्विपमेंट हैं, जो भी प्रोसेसिंग मशीनरी हैं उनका मटेरियल क्या है, जिस चीज़ के लिए दूध या आपका फूड प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट में आता है उसका मटेरियल क्या है, क्या वो फूड ग्रेड है कि नहीं है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हमने पर्सनल हाइजीन का क्या ख्याल रखा है, उनके पर्सनल हाइजीन स्टेशन और उनकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमने उनसे करवानी है। हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सफाई के बाद जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, दोनों तरीके का वेस्ट, मेरा लिक्विड वेस्ट और ड्राई वेस्ट, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, पेस्ट कंट्रोल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद लास्ट में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हर तरीके का मटेरियल रखा हुआ है उसको क्या सही तरीके से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, जो कोल्ड स्टोर वगैरह है उनका टेम्परेचर सही है कि नहीं, क्या वो जगह भी साफ सुथरी और सेफ है फूड के लिए। ये सारी चीज़ों को इवन हम ट्रांसपोर्टेशन को भी कंसिडर करते हैं, चाहे वो दूध के आने के लिए हो चाहे वो जाने के लिए हो, और इवन हम उस पॉइंट तक जाते हैं जहाँ से हमारा दूध कलेक्ट होता है, जैसे विलेज लेवल सेंटर। इसमें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से शुरुआती दौर में ही विलेज लेवल सेंटर से हमें किस किस तरीके के फूड सेफ्टी के खतरे होते हैं। एनवायरनमेंट खत्म करने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो होता है हैजर्ड एनालिसिस, यानी आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है लेकिन उसके बावजूद आपकी प्रोसेसिंग में कुछ इस प्रकार के डर होते हैं, कुछ इस प्रकार के हैजर्ड्स आ सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, जिनको आपने अपनी प्रोसेस के दौरान रोकना है। उनमें से कुछ हैजर्ड्स आपको वो भी आइडेंटिफाई करने होते हैं, कुछ हैजर्ड तो आपके नॉर्मल प्रोसेस कंडीशन से ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ हैजर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सेकेंड पार्ट पूरा HACCP मैनेजमेंट का होता है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसमें हम सारे रिस्क उससे रिलेटेड देखते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं। और लास्ट पार्ट जो है हमारा इस पूरे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, और बाद में उसी एनालिसिस के बेसिस पे जो भी हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करें। तो दोस्तों आपको इस पूरे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर प्रोग्राम जो स्पेशल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए 2 दिन का है, इन्हीं सारे विषयों पे आपके साथ डिस्कशन करते हुए, आपकी सिचुएशन को समझते हुए, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। धन्यवाद।